Childrens, now we are discuss next question in this video, that is the next numerical. ठीक है, आज एक दूसरा numerical का हम लोग बात कर रहे हैं. इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड 57321 किलोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है. वेन द क्लॉक सॉ द टाइम 8:30 AM दिखा रहा है घड़ी में. वॉट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM द ऑडोमीटर रीडिंग हैज चेंज 57,336 किलोमीटर होता है. तो रीडिंग दो टाइम दिया है, क्लॉक का दो रीडिंग दिया है, 8:30, 8:50 ऑडोमीटर का दो रीडिंग है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग द टाइम, स्पीड निकालना है और इस स्पीड को हम लोग को किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, ज्यादा लंबा है लेकिन इजी क्वेश्चन है बच्चों. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, हम लोग डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए फाइनल रीडिंग एक आपका दिया हुआ है, इनिशियल रीडिंग दिया हुआ है. इनिशियल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर देखिए क्या दिया है आपका, 57321.0 किलोमीटर दिखा रहा है. और इसका जो फाइनल रीडिंग है बच्चों, फाइनल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर, फाइनल रीडिंग जो आपका है 57336.0 किलोमीटर है. तो डिस्टेंस ट्रेवल दोनों का डिफरेंस करके हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, तो क्या होता है इसमें, फाइनल रीडिंग जो था आपका ऑडोमीटर का, उसमें माइनस कर देंगे हम लोग इनिशियल रीडिंग को. ठीक है, तो देखिए 57336 है, माइनस कर देना है आपको 57321, तो माइनस करोगे 15 किलोमीटर आ गया. ये कार आपका 15 किलोमीटर चला. ठीक है, एंड टाइम टेकन आप कैलकुलेट कर लेंगे अब कितना ये टाइम ले रहा. ठीक है, तो टाइम टेकन, जो टाइम टेकन है बच्चों क्या है उसका, 8:50 है एएम में, घड़ी में दिखा रहा है. माइनस कर देना है किसको, आपका 8:30 AM, तो कितना है आपका 30 मिनट का है, तो 30 मिनट लिख देंगे. तो जो इसमें पहला पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, स्पीड हम लोग को निकालना है ए नंबर में. ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या था फॉर्मूला आपका, डिस्टेंस बाय टाइम. अब तक आपको याद हो गया होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, देन इट इज 15 किलोमीटर बाय आपका 20 मिनट. ठीक है चिल्ड्रन, इसको डिवाइड करोगे 3/4, 5 से डिवाइड करो, इतना क्या हो गया किलोमीटर पर मिनट. डेसिमल में चेंज करोगे इसको बच्चों, तो डिवाइड करके 75075 किलोमीटर पर मिनट आएगा. ठीक है, अब चलिए बी नंबर में. ठीक है, किलोमीटर पर आवर बोला है, तो बी में हम लोग का तो डिस्टेंस जो है बच्चा वही होगा स्टूडेंट्स, 15 किलोमीटर है. ठीक है, और टाइम जो दिया हुआ है बच्चों ये आपका है 20 मिनट. स्पीड बोला है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए टाइम को हम लोग क्या करेंगे आवर में कर देंगे. तो इसके लिए 60 से डिवाइड, क्या आ जाएगा यहां से 1/3 आवर हो गया. अब यहां से आप स्पीड निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या बताए थे फॉर्मूला,
डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है बच्चों, तो देखिए डिस्टेंस क्या है आपका, यहाँ 15 किलोमीटर है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 15 / 1/3 है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 15 × 3/1 हो जाएगा, तो 15 × 3 हो जाएगा यहाँ किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45 किलोमीटर पर आवर। तो चिल्ड्रंस वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करोगे एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।